आपने मुख्यमंत्री आवास योजना को लेकर कब आवेदन दिया था? 13-14। आप इसका पैसा आपको कब सैंक्शन हुआ? इसका पैसा मकान का काम चालू करे जब मिला, और जिस पे से 10,000 रुपए साहब ने ले लिए। कौन से शहर ने लिए हैं? श्रीवास्तव जी। वो पैसे की मांग करते हैं। कितना पैसा? 5,000 तो श्रीवास्तव ने ले लिया, और बैंक में 1,000 ले लिए उन्होंने। किसने लिया? बैंक यहाँ श्रीवास्तव ने लिया है। श्रीवास्तव कौन है? जो केस जो फाइनेंस यहाँ से वहाँ से जनपद में करवाते हैं जो है, और बैंक के बाबू ने लिया है। कितना लिया? 1,000। क्यों लिया उन्होंने? बोले जी केस को हम करवा देंगे। मध्य प्रदेश में लगभग 37 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार आवासहीन हैं अथवा अर्ध कच्चे पक्के आवासों में निवासरत हैं। मुख्यमंत्री द्वारा 22 फरवरी 2011 को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन का शुभारंभ किया गया था। इस मिशन के अंतर्गत हितग्राहियों द्वारा विभिन्न अभिन्यासों के अनुरूप स्वयं आवास का निर्माण किया जाता है। हितग्राहियों को पात्रता अनुसार ऋण पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर बैंक द्वारा 10, 12 एवं 15 वर्षीय ऋण प्रदान किया जाता है। परंतु ब्लॉक बरघाट के ग्राम आमागढ़ में ऐसा नहीं हो रहा है। तहसीलदार के भी साइन हो गए, यहाँ से प्रस्ताव ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पास हो गया, सब कुछ हो गया, रेडियो ने मतलब रुकवा दिया। क्या कारण? रिश्वत के कारण। 10,000 रिश्वत दीजिए पहले, उसके बाद आपका काम होगा। बोले हमारा कच्चा मकान था तो उसको हम पक्का करना चाह रहे थे उसी से। इस योजना में चूंकि 12 केस फाइनेंस हुए हैं जिसमें कुछ करप्शन की बात आ रही है, उसको लेके जब मैंने लोगों से बात की तो उसमें 10-10,000 रुपये लेने की बात आ रही है, और ये राशि एडीओ के द्वारा ली जा रही है, ऐसी शिकायतें हैं, जिसको लेके मैंने पिछले वर्ष फरवरी में शिकायत किया हुआ है, और शिकायत किया है मैंने अपनी ही ग्राम पंचायत में, जिसमें ये कहा गया है कि ग्राम पंचायत इस पूरे हितग्राहियों को बुलवा के और ये जांच करे कि वास्तव में क्या एडीओ ने उनसे पैसे लिया है। अगर लिया है तो उनके खिलाफ में प्रस्ताव पारित करके और एफआईआर दर्ज करवाई जाए। इसकी जानकारी आपको कहां से मिली? इसकी जानकारी चूंकि मैं इसी गांव का रहने वाला हूं और लोगों से मेरे घर जैसे संबंध है, तो मुझे ये बताया गया कि भैया ये हमसे 10-10,000 रुपये मुख्यमंत्री आवास में और 5,000 रुपये, 500 से 1,000 रुपये इंदिरा आवास में ये एडीओ जो है श्रीवास्तव ले रहा है। मेरी और इन हितग्राहियों की मदद करने हेतु इस नंबर पर कॉल कर अधिकारियों पर दबाव बनाएं। आपके एक कॉल से करप्शन को दूर करने में सहायता मिलेगी। जिला कलेक्टर महोदय श्री भरत यादव, जिनका मोबाइल नंबर है 9425827500। मैं रेखा भांगरे, ग्राम आमागढ़, ब्लॉक बरघाट, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।